हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन आर्ट। और फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में अपने एक बोगनवेलिया प्लांट को लेकर आई हूँ। ये बहुत ही सुंदर हार्डी फ्लावरिंग प्लांट है, लो मेंटेनेंस प्लांट है। इसकी मेंटेनेंस में हमें ज़्यादा, अगर प्लांट पुराना हो जाता है तो हमें इसकी ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फ्रेंड्स, ये मेरा 3-4 ईयर प्लांट पुराना है। इसकी स्टेम देखिए कितनी थिक हो गई है, एक बॉन्साई जैसा लुक दे रही है। इसकी जो है स्टेम्स को मैंने बांध के रखा हुआ है, एक शेप दे रखी है, और सारे सबको जो है ना, मतलब एक कलेक्टिवली इसको हमने, मैंने एक ट्री जैसा लुक दे के रखा हुआ है। फ्रेंड्स, ये जो है प्लांट, इसकी वाटर रिक्वायरमेंट बहुत कम है। ये फ्लावरिंग बहुत अच्छी तब करता है जब इसको वाटर रिक्वायरमेंट हम समर्स में लिमिटेड दे के चलते हैं। एक बार वाटर कंज्यूम करने के बाद फिर हमें तब इसको दोबारा वाटर देना चाहिए। उसका जो है हमें सिम्टम्स ये दिखते हैं कि इसकी लीव्स जो है, ये देखिए फ्रेंड्स, नीचे की तरफ को आ गई हैं। इसका मतलब ये है कि इस प्लांट को वाटर की रिक्वायरमेंट है। और इसी तरह से आप मेरी सॉइल भी देख के चलिए, सॉइल मेरी बिल्कुल ड्राई हो रही है। सॉइल में देखिए अब कहीं पे भी मॉइस्चर दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब मैं इस प्लांट को पूरा भर के पानी दूंगी, और जब तक कि पानी नीचे से नहीं निकल के आता, और उसके बाद मैं नेक्स्ट टाइम इसको पानी तब दूंगी जब अगेन जो है इसका जो है ये थोड़ा सा मुझे इंडिकेशन दे के चलेगा। सो फ्रेंड्स, ये एक जो है समर्स से लेकर और अक्टूबर नवम्बर तक फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है, और इसको सनलाइट बहुत अच्छी चाहिए। लेकिन जब छोटे प्लांट होते हैं तो हमें ग्रुप में लगा के चलना चाहिए। जब समर में टेम्परेचर अबाउट 35 डिग्री होता है, जैसे जैसे प्लांट एज्ड होता जाता है वैसे वैसे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। तो हम प्लांट को जो है सेपरेटली भी लगा सकते हैं, और उसकी वाटर में गैप का भी वो कर सकते हैं। लेकिन जब प्लांट छोटा होता है तो हमें उसको एक छोटे बेबी की तरह केयर करनी चाहिए, उसको ग्रुप में रखना चाहिए, और उसको टाइमली वाटर वगैरह रिक्वायरमेंट देनी चाहिए। फ्रेंड, ये प्लांट जो है क्योंकि समर में और मानसून में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करके चलता है, नवंबर के बाद इसकी फ्लावरिंग जो है ख़त्म हो जाती है, तब हमें इसकी जो है ना प्रूनिंग कर लेनी चाहिए। और फरवरी में आके हमें इसकी हार्ड प्रूनिंग करनी चाहिए ताकि ये और भी स्टेम्स निकाले। जितनी ज़्यादा स्टेम्स निकालेगा उतनी ज़्यादा इसके ऊपर फ्लावरिंग होगी। और फ्रेंड्स, क्योंकि इसका समर्स और मॉनसून इसका फ्लावरिंग सीज़न है, इसकी वजह से जो है हमें इसको हर मंथ फर्टिलाइज़र देना चाहिए। चाहे हम इसको जो है कंपोस्ट दे सकते हैं, चाहे लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। फ्रेंड्स, कोई भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट हमेशा फ्लावर तब आते हैं जब हम उनको जो है उनको नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र कम दे के फॉस्फोरस और पोटेशियम वाला ज़्यादा देते हैं, जो कि उसकी जो है ग्रोथ में और फ्लावरिंग में उसकी हेल्प करते है। इसीलिए जो है हमें काउडंग या फिर हमें कोई लीफ कंपोस्ट या फिर हमें मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइज़र वगैरह देने चाहिए। फ्रेंड्स, हमें हम ड्राई फर्टिलाइज़र्स भी दे सकते हैं पाउडर फॉर्म में। मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स का ज़्यादा यूज़ करती हूँ बजाय केमिकल फर्टिलाइज़र्स के। लेकिन क्या है कि लिक्विड फर्टिलाइज़र्स बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करते हैं, क्योंकि जो पाउडर फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो स्लोली स्लोली अपने जो अपनी एनर्जी को रिलीज़ करते हैं, बहुत स्लो। तो इसलिए हमें जो है अगर इसके ऊपर अच्छी फ्लावरिंग लेके चलनी है और इसकी ग्रोथ को अच्छा लेके चलना है, तो लिक्विड फर्टिलाइज़र्स जो है वो जल्दी बेनिफिट करके चलते हैं। हम उनको 15 डेज में भी दे सकते हैं, और उसके या फिर हम वंस इन अ मंथ भी दे सकते हैं, क्योंकि ग्रोइंग पीरियड होता है और प्लांट फ्लावरिंग करता है तो उसकी एनर्जी जल्दी कंज्यूम होती है, जिसकी वजह से जो है अगर हम उसको रेगुलर फ्लावरिंग फर्टिलाइज़र नहीं देंगे तो वो फिर वो जो है फ्लावरिंग अपनी थोड़ी कम कर देगा। और एक बार इसकी फ्लावरिंग हो जाती है फिर उसके थोड़े ब्रेक के बाद फिर दोबारा से इसके ऊपर फ्लावर आ जाते हैं। इसलिए जो है समर्स में जो है ये प्लांट जो है समर्स में रेगुलर फ्लावरिंग करके चलता है, और ऐसे ही ये जो है ना विंटर्स में भी बहुत अच्छी इसके ऊपर फ्लावरिंग हो के विंटर्स में इसकी फ्लावरिंग कम हो जाती है। फ्रेंड्स, ये जो मेरा प्लांट है ये इसके ऊपर 2 कलर के फ्लावर्स आए हुए हैं ऑटोमेटिकली। ये मैं नर्सरी से लेके आई थी जब, तब भी इसके ऊपर ऐसे ही फ्लावरिंग थी, तो मुझे इसकी ये जो है इसकी कलेक्शन पसंद आई। इसकी एक ब्रांच पे ये देखिए वाइट कलर के फ्लावर आए हुए हैं, ऐसे ही एक ब्रांच के ऊपर पिंक कलर के फ्लावर आए हुए हैं, इधर भी देखिए पिंक कलर के हैं, ये भी मेरे पिंक कलर के फ्लावर्स आए हुए हैं, और ये ब्रांच में देखिए इसमें वाइट कलर के भी हैं और पिंक कलर के भी हैं। सो फ्रेंड, ये जो है मेरा जो है वेरीगेटेड फ्लावरिंग वाला प्लांट है, और इसकी जो है ब्यूटी देखने को बगती है जब ये फ्लावरिंग करके चलता है। और इसको जो है मैंने एक अच्छा सा लुक भी दे के रखा हुआ है, इसको जो है मैंने एक वायर के साथ बांध के रखा हुआ है, और उसके बाद जो है मैं इसको जो है एक रिंग वाली शेप दे के चलूँगी, और इसको ऊपर एक मैं गोल सी बॉल बना के चलूँगी। फ्रेंड्स, मैंने बता दिया। और रही सॉइल की बात, फ्रेंड्स, इस प्लांट को जो है हमें 50% गार्डन सॉइल और 50% जो है हमें कंपोस्ट डाल सकते हैं। कोई भी लीफ कंपोस्ट वगैरह हम
हम दे सकते हैं। लीफ कंपोस्ट जो होते हैं प्लांट्स के लिए सबसे बेस्ट रहते हैं। एक तो वो हमारा जो है सॉइल मीडिया को बहुत लाइट करके रख सकते हैं। जब हम अपने पॉट को उठाएंगे तो हमारा जो है मीडिया हमारा पॉट बहुत लाइट होगा एज़ कम्पेयर टू अदर जो भी मीडिया है जिसमें सॉइल वगैरह ज़्यादा होती है। और दूसरी बात की जो लीफ कंपोस्ट होता है वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। इसमें कार्बन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और हम इसके अंदर जो है मस्टर्ड कीट वगैरह का फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र। और उसके अलावा हम इसके अंदर काउडंग वगैरह भी दे सकते हैं। हम जब सॉइल मिक्सचर बनाते हैं तो हमें जो है इसके अंदर 50% गार्डन सॉइल और 50% लीफ कंपोस्ट और जो है काउडंग वगैरह ऐड कर देनी चाहिए, जिससे कि जो इसका सॉइल है वो थोड़ी सॉफ्ट रहेगी और जो है इसको एनर्जी भी इसको रेगुलर मिलेगी। फ्रेंड्स, हमें जो है जो हमें अपने प्लांट को फर्टिलाइज़र्स फेब्रिक के मंथ में और अक्टूबर के मंथ में जो है एक अच्छा अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र देना चाहिए, जो कि जिसको मैं बूस्टर डोज कहती हूँ। और उसके बाद हमें हर मंथ जो है इसको जो है थोड़ा थोड़ा रेशियो में फर्टिलाइज़र देना चाहिए, चाहे एक हमारा हैंडफुल हो या फिर हम लिक्विड फर्टिलाइज़र हो, कुछ भी हम इसको दे सकते हैं। तो सॉइल को जो है सॉइल के अंदर भी जो हमारा कंपोस्ट होता है वो भी हेल्प करता है। और जब हम हर मंथ भी इसको फर्टिलाइज़र देते हैं और इसको फुल सनलाइट की रिक्वायरमेंट है, वाटर तभी देना चाहिए जब जो है सॉइल ड्राई हो जाए या फिर इसकी लीव्स जो है वो इंडिकेशन दे कि हाँ इनको वाटर की रिक्वायरमेंट है। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी वीडियो मेरे बोगनवेलिया प्लांट को लेकर, जो कि बहुत अच्छी ब्लूम दे रहा है और बहुत अच्छी ग्रोथ पे चल रहा है। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।